कोयल मल्लिक रुक्मिणी मल्लिक एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देती हैं। वह अभिनेता रंजीत मल्लिक और दीपा मल्लिक की बेटी हैं। उन्होंने जीत के साथ नटर गुरु 2003 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। मल्लिक का जन्म कोलकाता के भवानीपुर के मल्लिक बाड़ी में बंगाली फिल्म अभिनेता रंजीत मल्लिक और दीपा मल्लिक के घर हुआ था। 3-4 मल्लिक ने अपनी स्कूली शिक्षा मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स से की और कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक संबद्ध कॉलेज गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज से मनोविज्ञान में BSc ऑनर्स पूरा किया। मल्लिक की पहली स्क्रीन फिल्म नटर गुरु थी जिसमें उनके साथ जीत थे। नटर गुरु बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। 6/2003 में रिलीज हुई इस फिल्म ने मल्लिक के टॉलीवुड में प्रवेश को चिन्हित किया। उन्होंने नटर गुरु के लिए 4वीं टेली सिने अवार्ड्स 2004 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला पुरस्कार भी जीता। फिल्म में मल्लिक ने जीत के साथ मोनिका नाम की 23 वर्षीय लड़की की भूमिका निभाई है। नटर गुरु की रिलीज के बाद से इस जोड़ी ने कई बार साथ काम किया है और 11 फिल्मों में नजर आ चुकी है। 2004 में उन्होंने देवी पक्ष, शुधु तुमी, बादशाह द किंग और बंधन में अभिनय किया, जबकि पहले दो ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, बंधन बंगाल में एक बड़ी सफलता थी और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर थी। ये 2004 की सबसे अधिक कमाई करने वाली बंगाली फिल्म भी थी। मल्लिक ने 2007 में जी बांग्ला के पहले महालया में देवी महिषासुरमर्दिनी और उनके विभिन्न अवतारों के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। वह 2010 में दीदी नंबर 1 में एक सेलिब्रिटी प्रतियोगी के रूप में भी दिखाई दी। उन्होंने अपना पहला टॉक शो कथा ओ कहनी भी होस्ट किया। ये शो स्टार जलसा पर प्रसारित हुआ। 10/2013 में मल्लिक बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के साथ झलक दिखला जा के बंगाली संस्करण में एक सेलिब्रिटी जज के रूप में दिखाई दी। ये शो ETV बांग्ला पर प्रसारित हुआ। 11 उन्होंने डांस बांग्ला डांस जूनियर में जज के रूप में और सीजन 11 में सेलिब्रिटी जज के रूप में भी अभिनय किया। उन्हें सी बांग्ला के विभिन्न रियलिटी शो जैसे रंगूर, दादागिरी अनलिमिटेड और दीदी नंबर 1 में भी देखा गया था। मल्लिक और जीत को फिल्म 100% लव के प्रमोशन के लिए स्टार जलसा के धारावाहिक संसार सुखीर होए रोमोनिर गुने में अतिथि के रूप में भी देखा गया था। मल्लिक लोकप्रिय धारावाहिक बोझेना से बोझेना में भी दिखाई दिए हैं जो स्टार जलसा पर ही प्रसारित होता है। मल्लिक ने कई बहुराष्ट्रीय ब्रांडों का समर्थन किया है और TVS मोटर कंपनी, फेयर एंड लवली, पेनासोनिक और वेस्लिन के लिए टेलीविजन विज्ञापन किए हैं। मल्लिक ने 1 फरवरी 2013 को निस्पाल सिंह प्राणिक से शादी की। 13 वे इससे पहले 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को टॉलीवुड की ग्लैमर दुनिया से दूर रखने का फैसला किया था। 14/1/2020 को उन्होंने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि वह अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। 5 मई 2020 को मल्लिक ने एक लड़की को जन्म दिया। दंपति ने अपने बेटे का नाम कबीर सिंह रखा।